आपका ये बेटा, आपका ये भाई इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाकर देगा कि आपको अपने जीवन काल में इसको लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, आपने अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार भी हम लोग देखेंगे जिसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने आएंगे, तब मानेंगे कि विश्वास हुआ। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ लेने आए हैं, और आपकी दुआ से, आपके दुआ और आपके आशीर्वाद से आपका ये बेटा, आपका ये भाई इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाकर देगा कि आपको अपने जीवन काल में इसको लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, आपने अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार भी हम लोग देखेंगे जिसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने आएंगे, तब मानेंगे कि विश्वास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप प्रशांत किशोर से नहीं जुड़े हैं, आप जनसुराज से नहीं जुड़े हैं, आप पदयात्रा से नहीं जुड़े हैं, आप उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो वर्षों से बिहार में एक नया विकल्प बनाने के लिए तड़फड़ा रहा था, और विकल्प के अभाव में समझते बूझते हुए भी गलत लोगों का चुनाव कर रहा था। ये आप उन लोगों से जुड़े हैं, आप उस सोच से जुड़े हैं जिसको मालूम है कि बिहार के लोगों को हम लोग की चेतना पर, हम लोग की समझ पर धूल पड़ गया होगा, हम लोग समाज में पीछे छूट गए हैं, लेकिन हम लोग की चेतना और हम लोग की अपने बच्चों के लिए चिंता मरी नहीं है। और एक अंतिम बात कहकर मैं अगले सत्र में हम लोग चलेंगे। जितने लोग आए हैं, एक बार ये संकल्प लीजिए कि आप और आपके बच्चे ये बिहार की अंतिम पीढ़ी है जो मजबूरी में रोजी रोजगार और पढ़ाई इलाज के लिए बिहार से बाहर जाता है। हम लोग की आने वाली पीढ़ी न पढ़ाई के लिए, न रोजगार के लिए, न इलाज के लिए बिहार से बाहर हम लोग के बच्चों को नहीं जाना पड़े, इसलिए आपको ये संघर्ष करना है।